बिसमिल्ल रनिम असलम व्यूवर्स वेलकम बैक टू माई चैनल कैसे आप सब लोग उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे मैं भी ठीक हूँ अलहमदिल्ला जी तो यहाँ पर मैं और मेरा बेटा जो है वो अपने भाई के घर हम लोग जा रहे हैं उसके मामू का घर है और मेरे भाई का घर है तो मेरी सास और मेरी नंदु ने डोमी बनवाने जाना था मेरी नंदों ने क्योंकि आगे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो फिर मैं और मेरा बेटा जो है वो इधर आ गए थे तो यहाँ पर घर में इंटर रहूँ तो चम्बेली के फूलों के इतनी की इतनी मज़े की खुशबू होती है और ये मुझे वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है और इतनी अच्छी मुझे इनकी खुशबू लगती है दिल करता है कि बस इधर दरवाज़े के पास मैं खड़ी रहूँ और खुशबू जो है इनकी वो मुझे आती रहे फिर जब मैं अंदर आई तो मेरी भाभी जो है वो काफ़ी दिनों से बीमार थी तो आज उनकी तबीयत ठीक हुई है तो आज वो घर की सफ़ाई वगैरह कर रही थी यहाँ पर वो किचन को धो रही हैं क्योंकि किचन जो है वो काफ़ी ज़्यादा गंदा हुआ हुआ था फिर उसके बाद गैलरी में आ गई हैं तो यहाँ पर अब गैलरी वगैरह को भी धो रही हैं काफ़ी ज़्यादा मिट्टी थी और वो जो कपड़ों की एक बुरसी होती है वो जो है इतनी ज़्यादा इकट्ठी हुई हुई थी तो फिर झाड़ू लगाकर अच्छी तरह गैलरी को भी वो धो रही हैं बाकी कमरों में से उन्होंने झाड़ू लगा लिया था और मोप लगा लिया था और गैलरी और किचन जो है वो पानी डाल कर तो अच्छी तरह साफ़ कर रही हैं तो यहाँ पर जो मेरे भतीजे हैं वो फिर वाइपर लगा कर सारा पानी जो है वो खुश्क कर रहे हैं तो आज मैंने आप लोगों के साथ सूर तगाबुन की फजीलत जो है वो बयान करनी थी वो डिस्कस करनी थी शेयर करनी थी तो सूर तगाबन जो है छोटी सी एक सूरत है डेढ़ सफ़े की सूरत है तो इतनी मतलब इसकी फजीलत है कि जब जो बंदा अगर मौत के मुंह में हो तो उसके पास बैठ के पढ़ें तो अगर उसकी न, न, मतलब मुश्किल हो रही हो उसे मौत आने में तो अगर उसकी ज़िंदगी है तो वो बच जाता है और अगर उसकी मौत लिखी हुई है तो उसको मौत में फिर आसानी होती है आपको पता है कि मौत की सख्ती जो है वो किसी से बर्दाश्त भी नहीं होती तो कहते हैं कि तगाबन उस बंदे के पास पड़े तो अल्लाह ताला उसकी उसके सारे गुनाह जो है वो माफ़ फरमा देता है और अल्लाह उसकी मौत में आसानी फरमाता है इसके अलावा इसकी ये भी फजीलत है कि जो बंदा चाहता है कि अगले बंदे के दिल में उसकी इज़्ज़त बनी रहे यानी कि वो इज़्ज़त करे उसकी और इज़्ज़त के साथ बात करे तो असर की नमाज़ पढ़ने के बाद एक दफ़ा सूरत तगाबन जो है वो आप लोग पढ़ लिया करें तो अल्लाह ताली हर बंदे के दिल में आपकी इज्जत जो है वो डाल देगा और आपके साथ वो बहुत अच्छे तरीके से जो है बंदा पेश आएगा तो मैं भी ये पढ़ती हूँ असर की नमाज के बाद तो अभी मुझे याद है कि जब मेरी अम्मी जो है बीमार हुई थी उनकी डेथ होने वाली थी तो मौलवी साहब हमारे घर आए थे तो उन्होंने ये सूर तब जो है मेरी अम्मी के पास बैठकर पूरा घंटे तिलावत की थी इसकी तो फिर मेरी अम्मी को इतनी आसान मौत आई थी कि मैंने अपनी अम्मी के पाँव पकड़े हुए थे और बिल्कुल हमें पता ही नहीं चला और मेरी अम्मी जो है वो फौत हो गई थी तो आप ही ज़रूर पढ़ा करें अल्लाह ताला हम सब की मुश्किलात और आ, हल फरमाए और हमें कामयाबियाँ ता फरमाए तो आज कल मैं एक मुश्किल में हूँ तो सब लोग मेरे लिए दुआ किया करे कि अल्लाह मेरी उस मुश्किल को आसान फरमाए अल्लाह मेरी सच्चाई जो है वो साबित कर दे तो अल्लाह मुझ पर अपना करम फरमाए तो यहाँ पर आज दिन के टाइम जो है मेरे भाई लोगों ने मेकरोनी बनानी थी मसाले वाली मेकरोनी बनानी है धरम लोगों ने तो चिकन जो है मेरे भाई लेकर आए और इसके साथ मेकरोनी भी तो यहाँ पर मैंने चिकन जो है वो धो के रख लिया था मैक्रोनी के लिए पानी जो है वो देगचे में डाल लिया था अच्छा हम लोग जो है वो स्टील के देगचे में जो चीज़ बॉयल करनी हो करते हैं क्योंकि जो सिल्वर के देगचे या बर्तन होते हैं वो फिर आसानी से साफ़ नहीं होते तो स्टील के देगचे में हम लोग पानी बोइल करना हो करते हैं चावल बॉयल करने हो मैक्रोनी बॉयल करने वाली चीज़ जो है इसमें हम लोग करते हैं यहाँ पर मेरी भाभी ने लहसुन जो है वो छील लिया था तो मैं अब नमक डालकर उसे कूट रही हूँ और साथ मैक्रोनी जो है वो बॉयल करने के लिए मैंने रखी हुई है तकरीबन मैक्रोनी यहाँ पर बॉयल हो चुकी है और इसके बाद फिर मैं इसे स्ट्रेन कर लूँगी अच्छा स्ट्रेन करने के बाद ऐसे होता है कि मैक्रोनी जो है वो आपस में चिपक जाती है तो ठंडे पानी में से एक दफ़ा उसे गुजार लें तो वो आपस में चिपकती नहीं है तो यहाँ पर अब मैं मैक्रोनी के ऊपर ठंडा पानी डाल रही हूँ ताकि वो चिपके नहीं बाक़ी गोश्त का मसाला बनाने के लिए सारी चीज़ें जो है वो तैयार करके मैंने रख दी हैं तो अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्याज़ जो है वो काट लिया था अच्छा अगर आपके प्याज जो है वो लच्छेदार हैं तो थोड़ा सा नमक डालकर आप इसे फ्राई करेंगे तो इतनी क्रिस्पी फ्राई होंगे ना आपके प्याज और इसके बाद फिर लहसुन जो है कूट के मैंने रखा हुआ था वो डाल दी है अच्छा मैं फ़र्स्ट टाइम जो है वो मसालेदार मैकरोनी बना रही हूँ यानी कि मसाले वाली मेकरोनी जो है बना रही हूँ वैसे मैं ऐसे करती हूँ कि जस्ट मैंने मैक्रोनी बॉईल की चिकन को फ्राई किया और काली मिर्च नमक डालकर मैक्रोनी डालकर ऊपर से फिर लीम निचोड़ कर मिर्ची और धनिया डालकर मैं लगा देती हूँ दम पर लेकिन आज मैं प्रॉपर जो है वो सालन तैयार करके और उसके बाद जो है मैक्रोनी बीच में मिक्स करूँगी तो यहाँ पर आ, अब टमाटर मैंने डाले हैं वो मेल्ट हो चुके हैं अब नमक मिर्ची डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी और सारा मसाला बना के फिर मैं गोश्त और आलू डालूंगी। वैसे मैं ज़्यादातर जब चिकन बनाती हूँ तो चिकन को मैं फ्राई करती हूँ पहले तो यहाँ पर आज मैं चिकन फ्राई नहीं कर रही मसाला सारा बना कर फिर अब मैं चिकन और आलू इसमें डालूंगी। यहाँ पर चिकन मैंने धो के रखा हुआ था अब उसे मैं मसाले में डालकर भून लूँगी चार से पाँच मिनट के लिए और फिर इसके बाद आलू डालूँगी तो दोनों को इकट्ठा जो है वो मैं भूनूंगी कभी ऐसे होता है कि आलू जो है वो गलते नहीं है चिकन गल जाता है वैसे मैंने आलू जो है इस साइज़ के काटे हुए हैं कि वो जल्दी जो है गल जाएंगे तो यहाँ पर अब आलू भी मैंने डाल दिए हैं और अब मैं अच्छी तरह इन्हें भून लूँगी पाँच से दस मिनट के लिए चिकन और आलू को मैं भून लूँगी यहाँ पर आप देख सकते हैं इतने मज़े का कलर भी आया हुआ है और बना भी बहुत मज़े का था तो नमक और मिर्ची जो है वो मैंने कम डाली है क्योंकि बच्चों ने खाना था मेरे भतीजे हैं मेरा बेटा है थोड़ा सा सिरका मैं डालूंगी ताकि चिकन की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए और इसके अलावा आलू और चिकन जो है वो सिरके की वजह से जल्दी गल जाते हैं तो यहाँ पर मैं अच्छी तरह भुनाई करूँगी और इसके बाद फिर मैं पानी डाल कर तो रख दूँगी हल्की आँच पर ताकि चिकन भी गल जाए और आलू भी तो यहाँ पर पानी जो है जो जो मैंने डाला था वो खुश्क हो चुका है और थोड़ा थोड़ा मसाला रह गया तो अब मैं मैकरोनी डालूँगी अच्छा मैक्रोनी को मैंने धोया तो था लेकिन फिर भी वो जुड़ गई थी पता नहीं वाला कि हालाँकि कहते हैं कि अगर ठंडे पानी के साथ धो लें तो फिर मैकरोनी जो है वो जुड़ती नहीं है तो यहाँ पर फिर मैं अच्छी तरह तोड़ के सारी मैकरोनी जो है वो इसमें मिक्स कर लूँगी और मिक्स करने के बाद फिर मैं इसके ऊपर सब्ज़ मिर्ची यहाँ पर अब मैंने मेकरोनी अच्छी तरह मिक्स कर ली थी तो अब मैं सोया सॉस जो है वो डालूँगी अच्छा मेरे पास जो चिली सॉस है वो अवेलेबल नहीं है तो वो भी आप डाल सकते हो उससे भी अच्छा जायका आ जाता है और फिर ग्रीन मिर्चें और धनिया जो है वो मैंने डाल दिया था और आधा नीमु जो है वो अब मैं ऊपर निचोड़ कर ऊपर से कवर कर दूँगी और दस से पंद्रह मिनट के लिए दम पर लगा दूँगी यहाँ पर हमारी मैक्रोनी जो है बहुत मज़े की तैयार हो चुकी थी इतनी मज़े की बनी थी माशाल्लाह से मेरे भतीजों ने इतनी ज़्यादा खाई और मुझे ख़ुद भी बहुत ज़्यादा पसंद आई थी तो यहाँ पर चिटाई बच्चों ने लगा दी थी प्लेट्स और ग्लासेस वगैरह रख दिए थे फिर मैंने सबको मैकरोनी डाल के दी अब हम लोग खाने लगे तो यहाँ पर मेरे बेटे ने प्लेट आगे खींचे मेरी भी प्लेट की वीडियो बनाई तो खाना खाने के बाद जो है मेरी भाभी अपने कपड़े सिलाई कर रही हैं ईद पर उन्हें टाइम नहीं मिला था तो उन्होंने कहा कि अब मैं अपने कपड़े जो है वो सिलाई कर लेती हूँ तो यहाँ पर ये इधर हमारे मोहल्ले में एक अंकल हैं तो उनके घर में काला अंगूर है तो इतना मज़े का अंगूर था ये घर का अंगूर आप देख सकते हैं और बहुत ज़्यादा मज़े का था मेरे बेटे ने जो खुश होकर खाया और सबको बहुत पसंद आया था इसके बाद मौसम अच्छा हो गया था बारिश हो रही थी तो शाम के साथ बज चुके थे तो फिर मैंने भाई को कहा कि मुझे घर छोड़ है तो मेरे बेटे ने जो है बाइक की चाबी गुम कर दी थी घंटा लगा कर हम ढूंढते रहे फिर दूसरी चाबी लेकर मेरे भाई जो है वो हमें घर छोड़ने आए तो यहाँ पर हम घर आ चुके थे बारिश जो है वो भी रुक चुकी थी और थोड़े थोड़े सूरज जो है वो अपना जो है मुँह दिखा रहा था मौसम जो है बहुत मज़े का हो गया था यहाँ पर आप देख सकते हैं तो आज के लिए इतने है मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में अल्लाह हाफिज